तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप डेफिनेटली समझ गए होंगे कि जो आपका डॉग है उसकी ग्रूमिंग क्यों करना चाहिए, उसकी ग्रूमिंग करने के क्या क्या फ़ायदे, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप और आपके पेट्स दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होंगे। तो दोस्तों, यदि आपने भी डॉग पाला है, चाहे वो कोई सी ब्रीड हो, चाहे वो इंडियन ब्रीड हो, लेब्राडोर हो, जर्मन शेफर्ड हो, गोल्डन रिट्रीवर हो, या रॉटवाइलर हो, या पग, या कोई सी भी आपके पास स्मॉल मीडियम या लार्ज कोई सी भी ब्रीड है, तो उसमें एक ये मोस्टली प्रॉब्लम ये रहती है कि डॉग जो हमारा रहता है उसकी जो हेयर, उसके जो बाल होते हैं, हम उसकी केयर कैसे करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। डॉग्स की जो हेयर होते हैं उनकी जो केयर होती है वो ओवरऑल तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहली चीज़ उसका खाना, दूसरी चीज़ उसकी शैम्पू, तीसरी चीज़ उसकी जो ग्रूमिंग हम करते हैं। यदि हम ये तीन चीज़ों पर ध्यान दें तो आपके जो डॉग्स हैं उनके हेयर एकदम मेंटेन रहेंगे। इन तीन चीज़ों में से आज मैं बात करने वाला हूँ ग्रूमिंग की, यानी कि कंघी वाले की। जब हम अपने डॉग की कंघी करते हैं तो उसके हमारे डॉग को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ग्रूमिंग करने का पहला फ़ायदा तो दोस्तों ये होता है कि जो आपका डॉग है उसका जो बाल होता है, उसका जो कोट होता है, वो एकदम मेंटेन रहता है, वो एकदम सुंदर दिखता है, काफ़ी अच्छा दिखता है। यदि आप अपने डॉग की रेगुलर बेस पर ग्रूमिंग करते रहते हो तो जो उसके जो बाल हैं उसमें जो टिक्स होते हैं, जो पिस्सू होते हैं, उसके जो अंडे वगैरह रहते हैं, जिसके कारण आपके डॉग में यदि अंडे रहेंगे तो फिर पिस्सू खुद ब खुद पनपते रहते हैं। अगर आप रेगुलर बेस पर ग्रूमिंग करते हो तो जो उसके साथ जो बाल बाहर आते हैं, अब ग्रूमिंग करोगे तो डॉग के बाल झड़ेंगे और जो बाल झड़ते हैं उसमें उनके अंडे भी साफ़ हो जाते हैं, तो जो आपका डॉग्स है वो टिक्स से भी एकदम उसको राहत मिल जाती है। तो आपके डॉग को पिस्सू वाली समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी अगर आप रेगुलर बेस पर ग्रूमिंग करते आ रहे हो। दूसरी चीज़, यदि आपके घर में यहाँ वहाँ बहुत सारी जगह पर आपके डॉग्स के बाल पड़े रहते हैं, चाहे वो ब्लैंकेट हो, सोफ़ा हो, चादर हो, या फिर आपके टी शर्ट कपड़े किसी पर भी हो, डॉग्स के बाल हमेशा पड़े रहते हैं, तो आप ये काम भी कर सकते हो। यदि आप रेगुलर बेस पर उसकी ग्रूमिंग करते हो, उसकी कंघी करते रहते हो, तो जो उसके झड़ने वाले बाल होते हैं, जो कमज़ोर बाल होते हैं, वो टूटकर वहीं पर गिर जाते हैं, तो उससे जो आपका डॉग है उसका हेयर फॉल भी काफ़ी कम होता है, आपको काफ़ी हद तक हेयर फॉल में राहत मिल जाती है। मार्केट में ग्रूमिंग के लिए तरह तरह की कोम्ब यानी कि कंघी आती है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको आपके डॉग के लिए कौन सी कंघी बेहतर लग रही है। यदि आप रेगुलर बेस पर अपने डॉग के बालों की साफ़ सफाई करते रहते हैं तो इससे उसका जो कोट है उसमें काफ़ी ज़्यादा निखार आता है, वो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। आने वाले टाइम पर जो उसके बाल होते हैं उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। ओवरऑल आपको सब चीज़ों का प्लस पॉइंट यहाँ पर मिलता है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि आपका जो डॉग है यदि आप उसकी ग्रूमिंग करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट होते हैं। वो सुंदर दिखेगा, उसका कोट मेंटेन रहता है, सारी चीज़ें होती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर देना।